एसएच कोई, देखिए एसएच कोई नोटिस अभी रिटन में नहीं आया है, सुनने में ही आया है कि कुछ गर्ल्स को जो है जो हमारे साथ जुड़ना चाहती थी उनको रेस्टिकेट किया गया है। मैं ये बात पूछना चाहती हूँ कि अगर देश के लिए हमें अपनी जान भी देनी पड़े, क्या हम स्टूडेंट्स पढ़ने वाले नहीं है? क्या हम अपनी क्लासेस नहीं लगा रहे हैं? आज उनकी क्लासेस एज मच एज इम्पोर्टेंट है कि वो उनको देश से ऊपर जो है वो उनकी क्लासेस दिख रही है। शायद वो किसी दबाव में आके जो है वो बाहर नहीं आ रहे हैं। और सुनने में आया है कि कुछ छात्राओं को जो है वो रेस्टिकेट किया भी है वर्बली, तो अगर कोई रिटर्न में ऐसा नोटिस आता है तो हम उसके खिलाफ भी प्रदर्शन करेंगे। स्टूडेंट्स हैं उनको शायद बायकॉट कर दिया गया, उनको रेस्टिकेट कर दिया गया है, पर ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी नहीं आई है। वर्बली कहा गया, इसका मतलब लड़कियां कहीं ना कहीं एक दबाव में हैं, उनको दबाव में रख के जो है वो बोला जा रहा है कि आप उनके साथ नहीं जाएंगे। मैं परेड कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन से ये बात पूछना चाहती हूँ कि क्या परेड कॉलेज आज इतनी अहमियत वाला हो गया कि आज उसको अपने देश के आगे, देश की कोई फिक्र नहीं है? जिस देश में हम रहते हैं आज उनको वो चीज़ें नहीं दिख रही हैं? आज पर जिस टाइम में परेड कॉलेज को हमारी ज़रूरत थी, हम सब छात्र हैं तब उनके साथ ही, लेकिन आज परेड कॉलेज के छात्र अपनी क्लासेस लगा रही हैं। मैं गवर्नर से ये मांग करना चाहती हूँ, एक तो जो आपका टाइम दिया गया था वो टाइम हो चुका है, और अगर आपने आने वाले टाइम में अगर इस पर सख्त कार्रवाई नहीं की तो आप ये जन सैलाब जो है इससे ज़्यादा मात्रा में